नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा के ग्यारसपुर में जनसंवाद के साथ शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। ग्यारसपुर के थाना परिसर में आज तहसीलदार सौरभ मालवीय की मौजूदगी में जनसंवाद एवं शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, जिसमें आगामी 8 मार्च को आने वाला महाशिवरात्रि त्योहार, मुहर्रम, ईद, होली, आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जनसंवाद किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सीमा राय के द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद उपाध्यक्ष प्रीति शंकर, दयाल शर्मा, जनपद सदस्य अनीश खान, मंसूरी, अवधेश श्रीवास्तव, जितेंद्र राजपूत एवं नगर के सभी गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, पत्रकार, बंधु एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके सुझाव लिए गए। नगर में अमन और चैन बना रहे, गंगा जमुना की तहजीब बनी रहे। प्रभारी ने कहा है कि नगर में किसी प्रकार का कोई अपराध या वारदात घटित ना हो, हम सब की जिम्मेदारी है कि आपस में समन्वय बनाकर रखें। गणमान्य लोगों के द्वारा मांग रखी गई है कि ग्यारसपुर में अवैध रूप से बिकने वाली शराब, जुआ, सट्टा के ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि समाज में अवैध रूप से चल रही गतिविधियों में यदि अंकुश नहीं लगेगा तो लगातार अपराध बढ़ेंगे और कई घर उजड़ जाएंगे। घर परिवार में विवाद बढ़ेगा, घर टूटने की कगार पर पहुँच जाते हैं, इसलिए पूर्णतः अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में जितनी भी अवैध गतिविधियां चल रही है, प्रयास करेंगे पूर्णतः बंद हो। कार्यक्रम में थाने के कर्मचारियों सहित स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 28 के लिए अनीश खान, मंसूरी की रिपोर्ट।